गूगल एड्स का जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इंटरनेट पे जिसका मार्केट शेयर मोर देन 55% है। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के देखेंगे, अमेजोन, टबूला, आउटब्रेन, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है गूगल एड्स। अब गूगल एड्स जब आप लोग यूज़ करते हो तो उसमें अलग अलग टाइप के कौन से कैंपेन्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो, इस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे गूगल एड्स में आप लोग सर्च एड्स रन करते हो। सर्च एड्स का मतलब होता है जब कोई भी बंदा सर्च इंजन गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करता है तो आपने देखा होगा टॉप में आपको स्पॉन्सर्ड एड्स आती है, उन्हें सर्च एड्स कहा जाता है। इसके अलावा डिस्प्ले एड्स आप लोग रन कर सकते हो। डिस्प्ले एड्स का मतलब होता है जब आप गूगल के किसी थर्ड पार्टनर साइट पे जाते हो, जैसे moneycontrol.com या फिर timesofindia.com या फिर dnaindia.com, इन साइट्स पे आप लोगों को बहुत बार साइट्स में एड दिखती है। इन एड्स को भी गूगल एड्स के थ्रू रन किया जाता है, जैसे इमेज एड्स होती है वो। तीसरा होता है वीडियो एड्स। वीडियो एड्स आपको अगर रन करनी है, आपका कंटेंट वीडियो फॉर्मेट में आ रहा है, तो यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है गूगल का जिसपे आप लोग आपकी एड्स रन कर सकते हो। इसके अलावा चौथा होता है शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स भी आप लोग कोई प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट हो और आप लोगों को आपके प्रोडक्ट्स को शोकेस करना है गूगल की सर्च में। किसी बंदे ने सर्च कर लिया मिक्सर ग्राइंडर ऑनलाइन और आप आपका एड दिखाना चाहते हो गूगल की सर्च में टॉप में प्रोडक्ट के लिए, वो होता है गूगल शॉपिंग एड्स। फिफ्थ कैंपेन जो आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो वो होता है मोबाइल ऐप। अगर आपने मोबाइल ऐप बना लिया है, जैसे यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कोई गेमिंग ऐप बनाया है और उस गेमिंग ऐप को आप प्रमोट करना चाहते हो, ये भी ऑप्शन आप लोगों को गूगल कैंपेन के थ्रू रन करने आता है। इसके अलावा डिमांड जनरेशन और परफॉर्मेंस मैक्स करके कैंपेन्स होता है, वो कैंपेन्स बेसिकली अगर आप लोगों को सर्च, डिस्प्ले, वीडियो, मोबाइल ऐप, शॉपिंग एड्स अगर आपको अच्छी तरह से पता है तो फिर आप लोग इन कैंपेन्स का यूज कर सकते हो।